सिर्फ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले तमाम चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यू सॉल्व हो जाकर वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड आज ये लास्ट चैप्टर है, इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट देखें इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही दिए गए हैं, ठीक है। गैस पेपर बनाया गया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ वही आपको दिए गए हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। बाकी तमाम चैप्टर्स के भी अपलोड हैं, बिना टाइम इसके चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड बाकी बुक्स के भी आपको जो है मिल जाएंगे गैस पेपर। हाउ डज द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन नेगेटिव कैटलिस्ट अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल, डिफाइन कैटालाइसिस नेम इट्स टू टाइप्स, डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, द रेडियो एक्टिव डीके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डिफाइन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल, डिफाइन कैटालिटिक पॉइजनिंग विद एग्जाम्पल, गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, नेम टू फिजिकल मैथड्स यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ एंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन डिस्टिंग्विश्ड। एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखें चैप्टर के, लास्ट चैप्टर के, हाउ द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अरहेनियस इक्वेशन, वट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्क्राइब द टू मैथड्स फॉर फाइंडिंग ऑफ रिएक्शन, वट इज कैटालाइसिस, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स।